थीम पार्क जिसकी ओपनिंग बहुत जल्द होने जा रही है इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख को, जो कि हैप्पी न्यू ईयर आ रही है 1 जनवरी 2019 को, इसकी ओपनिंग होने जा रही है इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आप इसको देखें तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक से एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है इसके अंदर। साइड पर देखें तो ये हमारे पास इकबाल विला स्टार्ट हो जाते हैं। जो कि मेन गेट से कोई आधे किलोमीटर की ड्राइव पे है। इकबाल विलास 150 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, 3 बेडरूम्स। इसी के अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, जो कि 2 बेड 3 बेड एंड 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं बहरिया के। बेड 950 स्क्वायर यार्ड्स के, स्क्वायर फीट के हैं। थ्री बेड 2250 स्क्वायर फीट के हैं, 2250 स्क्वायर फीट के। और फोर बेड 2850 स्क्वायर फीट के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, प्ले एरिया, हर टावर के नीचे छोटा सा पार्क प्ले एरिया बच्चों के लिए मौजूद है।
प्लाजा से आगे कार्निवल आ जाता है, कार्निवल के साथ साथ साइट सीइंग बस भी आ जाता है, जो कि आपको बहरिया का पूरा विजिट करवाती है, साइट पूरा साइट। ये मेन बहरिया की एंट्रेंस है, मेन गेट है, जो कि फिलहाल टेम्परेरी इसकी यहाँ पे इंटरचेंज बन रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल इसको टेम्परेरी बंद किया हुआ है इस रास्ते को। ये सामने ही आपको जैसे नज़र आ रहा है पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग है, काफ़ी अर्सा पहले से ये खुल चुके हैं। सामने ही हमें मस्जिद आशिक नज़र आ रही है, ये मस्जिद आशिक है प्रीसन 1 की। की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 2 बेड और 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। डोमिनियन बिजनेस सेंटर बिल्डिंग है जो कि तैयार हो चुकी है, और ये जो अब हमें विलाज नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कायद विलाज है। सामने ही एक बाल विलास है, एक बहुत ही ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ का। और आपको यहाँ रह के लगेगा कि आप कहीं बाहर ही रह रहे हैं। अपार्टमेंट्स के वो टावर हैं जो तैयार हो रहे हैं, 25-26 टावर्स, 25 और 26। इनकी कंस्ट्रक्शन जारी है, प्रीसेंट 19 कहलाता है ये। 2 बेड अपार्टमेंट्स, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स।
مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی نئی ویڈیوز میں اپڈیٹ کروں ان سب کی اپڈیٹس آپ کو اپنے موبائل پر ریسیو ہوتی رہیں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.